हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमी स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, गणित का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, क्योंकि लग तो रहा है एकदम सरल लेकिन थोड़ा सा टफ है। लेकिन मैं आपको एकदम सरल तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, एक अंक का प्रश्न आता है, ज़्यादा नहीं आता है। ये सन 2012 में हमारा प्रश्न आया हुआ है कि यदि टेन थीटा बराबर साइन थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। सन 2012 में हमारा मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न आया हुआ है, बस सन 2012 में। यदि टेन थीटा बराबर साइन थीटा तो थीटा का क्या मान होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा। अभी बताइए, अगर हम लोग फार्मूला देखें, क्या देखें, फार्मूला देखिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर कहेंगे सर साइन थीटा होता है और अपान कास थीटा होता है, क्योंकि यहाँ थीटा तो यहाँ दोनों भी थीटा रहेगा। तो इस टेन थीटा के, केवल इसी टेन थीटा के स्थान पे क्या हम इसको नहीं लिख सके क्या। यदि टेन थीटा बराबर साइन थीटा है तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, तो क्या इसको नहीं लिख सकते। कहेंगे बिल्कुल जी जी सर, लिख सकते हैं। तो इसी टेन थीटा के स्थान पर इसी को लिख दीजिए, साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, अब देखिएगा, इधर साइन थीटा, इधर साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल, ऊपर बचा एक, नीचे बचा कास थीटा, और यहाँ कट गया तो कितना बचा एक। अब कास थीटा का गुणा एक में हो जाएगा, तो वन इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। अब कितने का मान एक होता है, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, कास जीरो अंश का मान एक होता है। कास जीरो अंश का मान कितना आता है, एक होता है। अच्छे बताइए, ए बराबर बी, तो क्या बी बराबर ए नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर एक। और कितने अंश का मान जीरो एक होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस जीरो अंश का मान एक होता है। कास से कास कैंसिल और थीटा का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना मिल गया, जीरो अंश। और यही हमारा क्या है, आंसर। तो इसको समझिए, देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा सा है मेरे प्यारे बच्चों। बाहर कुछ भी नहीं, मैंने क्या किया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा दिया था, टेन थीटा का सूत्र रख दिया, साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन साइन कैंसिल, ऊपर एक बचा, इधर भी एक बचा। अब कास का गुणा एक में हो जाएगा, वन इज इक्वल टू कास थीटा, और जब हाथी बराबर घोड़ा तो घोड़ा बराबर हाथी, यानी कि कास थीटा बराबर एक हो गया। और एक कितने का मान होता है, कास जीरो अंश का, तो कास थीटा बराबर कास जीरो अंश, कास से कास कैंसिल, थीटा का मान जीरो अंश। और यही क्या मेरे प्यारे बच्चों, आंसर। तो प्यारा सा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, और ये सन 2012 में आया है, हो सकता है तो पूछ भी सकता है, सभी बोर्ड के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।